हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टेट के 85% स्टेट कोटा की एमबीबीएस बीडीएस की सीटों में आर्मी, पैरामिलिट्री और कुछ स्टेट में स्पोर्ट्स की सीटें भी रिजर्व होती हैं। आज हम यहां पर राजस्थान स्टेट की बात करेंगे, बाकी स्टेट का भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो राजस्थान स्टेट में आर्मी व पैरामिलिट्री फोर्सेज के बच्चों के लिए कोटा रिजर्व है। तो इस वीडियो में इन सीट्स पर एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इन कोटा के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे और डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, राजस्थान में WDP और WPP दो प्रकार का कोटा होता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स आर्मी में हैं उन्हें वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन्स यानी WDP, और जिन बच्चों के पेरेंट्स पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे BSF, CRPF, ITPP, SSB, CISF में सर्विंग ऑब्लिक रिटायर्ड हैं उन्हें वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सन यानी WPP कहा जाता है। राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में WDP की MBBS की 14 सीट, BDS की 1 सीट और WPP की MBBS की 5 सीट रिजर्व हैं। इसके लिए राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट ही इलिजिबल हैं। इसके लिए टोटल गवर्नमेंट सीटों में 1% कोटा रिजर्व है इसमें। अब इन सीट पर एडमिशन कैसे लें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद जब राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करता है तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो WDP सेलेक्ट करना है, और अगर आपके पेरेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विस या रिटायर्ड हैं तो WPP सेलेक्ट करना है। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। अब हम WDP कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो इसको 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और EX से इसको डिफाइन किया गया है। EX1 में जो एक्शन में एक्सपायर हो जाते हैं वो EX1 कैटेगरी में आते हैं। EX2 में जो बोर्ड आउट हो जाते हैं वो EX2 में आते हैं। EX3 में जो डेथ एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस वो आते हैं। फोर्थ में जो डिसेबल हैं एट्रिब्यूटेबल सर्विस में वो आते हैं, और 5 में जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड ले रखा है वो आते हैं, और 6 में एक्स सर्विस मैन आते हैं। 7 में इसमें 3 कैटेगरी फिर से डिफाइन की गई हैं। 8 में जो सर्विंग पर्सनल हैं वो आते हैं, और 9th में विवेज ऑफ सर्विंग पर्सनल आते हैं इसमें। तो इस प्रकार से EX1 से लेके EX9 तक ये कैटेगरी दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको ये कैटेगरी डिफाइन करनी होगी जिस कैटेगरी में आप आते हैं। अपने पेरेंट्स से पता कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में हम WPP की कैटेगरी की बात करें तो WPP की टोटल 6 कैटेगरी हैं। WPP1, WPP2, WPP3, WPP4, 5 एंड 6। WPP1 में सेम वही आते हैं जो एक्शन में एक्सपायर हो जाते हैं। WPP2 में भी वही आते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन है। WPP3 के अंदर जो डेथ एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस वो आते हैं। WPP4 में डिसेबल हैं जो एट्रिब्यूटेबल मिलिट्री सर्विस के वो आते हैं। WPP5 में जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड ले रखा है वो आते हैं, और WPP6 में एक्स सर्विस मैन आते हैं। इसमें सर्विंग पर्सनल नहीं आते हैं WPP में, यानी कि जो रिटायर्ड हैं उन्हीं के बच्चे WPP6 में आते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल कैटेगरी दे रखी है इसमें। तो इस प्रकार से कैटेगरी सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा WDP और WPP की कैटेगरी वाइज इलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश कर दी जाती है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट से पहले SMS मेडिकल जयपुर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाता है। इसमें WDP के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का सर्टिफिकेट, सर्विंग या फिर रिटायरमेंट का प्रूफ, 10th 12th की मार्कशीट, नीट रिजल्ट, और WPP के लिए डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट। इसके बाद में PPO, डिस्चार्ज बुक, 10th 12th की मार्कशीट, नीट रिजल्ट इत्यादि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा नोटिस डाल दिया जाता है। इसमें डिफेंस के लिए सर्विस पासबुक, PPO डायरी एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिखा है इसमें। इसी प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है काउंसलिंग के टाइम में।
आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑनलाइन अलॉटमेंट होता है, जिसमें WDP और WPP की सीट अलॉट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी कट ऑफ क्या रहती है। सबसे पहले हम WDP की कट ऑफ की बात करें तो इसमें MBBS की 14 सीट, BDS की 1 सीट है और इसमें कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी से सीट अलॉट होती हैं, यानी कि EX1 को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि EX1 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सीट पहले मिलेगी, चाहे उनके मार्क्स कितने भी हो, सिर्फ नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मान लो EX2 के मार्क्स ज़्यादा हैं और EX1 के मार्क्स कम हैं, फिर भी EX1 को सीट पहले मिलेगी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो सीट EX5 तक ही अलॉट हो जाती हैं, EX5 के भी कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं, तो कट ऑफ का मतलब यह है कि EX5 तक ही सीटें अलॉट हो जाती हैं। ये WPP की कट ऑफ की बात करें तो इसमें भी WPP 5 तक कैटेगरी के सभी कैंडिडेट को सीट मिल जाती हैं, चाहे उनके मार्क्स कितने भी हो। WPP 6 की कैटेगरी के प्रीवियस ईयर की बात करें तो कुछ कैंडिडेट को सीट मिली है 2018-17-16 में, लेकिन 2019 में ये WPP 5 तक ही सीट अलॉट हो गई थी। तो दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान स्टेट के डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेज की रिजर्व सीटों के बारे में। बाकी स्टेट का वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट होता है तो काउंसलिंग के टाइम पर सारी डिटेल आपको बता देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।